मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी सिंगरौली में हैरान कर दे वाला घोटाला सामने आवा। भ्रष्टाचार के लिए कदर खेला का कि जौन डेम के अस्तित्व तक नहीं आए। ओके निर्माण में 244 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे। फिलहाल मौजूदा सरकार के द्वारा मामला के जांच शुरू की गई है। वन क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सभा जनन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थे। बड़ी खबर से बताए दे कि मध्य प्रदेश में हैरान करे वाला घोटाला सामने आवा। सिंगरौली माँ बताए दे कि 243 करोड़ 95 लाख रुपया के खर्च हुए के बावजूद अब तक डैम के अस्तित्व नहीं है। हैरानी के बात यह है कि डैम के निर्माण की रकम कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के द्वारा साल 2018 से 2020 के बीच डैम और पानी के नहर बनावे के खातिर कंपनी का एडवांस मदद दीन गया रहा। मामला जिला के अंतर्गत आवे वाले सिंचाई परियोजना से जुड़ा है। बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के द्वारा हैदराबाद के कंपनी का डैम बनावे के ठेका दीन गया रहा। खास बात यह रही कि डैम निर्माण होए वाला 243 करोड़ 95 लाख रुपया के भुगतान सरकार के द्वारा एडवांस में कह देगा। डैम बनावे की अंतिम तिथि 28 मार्च 2024 तय की गई रही। 5 साल बीते के बावजूद डैम के निर्माण काम तक शुरू नहीं किया जा सका। डैम निर्माण के खातिर पाइप तक नहीं बिछाए गए। स्थानीय बीजेपी विधायक मिश्राम के द्वारा ये मामले का विधानसभा में उठावा गया। उनके द्वारा परियोजना के प्रगति के बारे में सवाल उठाए गए, हालांकि उनका अब तक पर कोनो जवाब नहीं मिला। विधायक के दावा है कि मौजूदा मोहन सरकार के द्वारा डैम निर्माण का मंजूरी दी गई। इस संबंध में पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी मांगी जा रही है। विधायक के मुताबिक साल 2019 में कमलनाथ के सरकार के द्वारा एक कंपनी का एडवांस में भुगतान किया रहा, जबकि कंपनी के द्वारा कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार के जाए के बाद डैम निर्माण के काम शुरू नहीं हो सका। सिंगरौली में बता दी कि कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के द्वारा साल 2018 से लेकर 2020 के बीच डैम वाटर चैनल बनावे के खातिर सरकार के द्वारा कंपनी का 243 करोड़ 95 लाख रुपया के एडवांस के भुगतान की गया। दूसर कई प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गए। शिवराज सिंह चौहान के सरकार बनी, लेकिन ध्यान नहीं देगा। प्रदेश में मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है, लेकिन डैम के निर्माण काम नहीं हो सका। विधानसभा में भले विधायक को सवाल के जवाब का न मिले हो, लेकिन विधायक के दावा है कि प्रदेश में मौजूदा सरकार के द्वारा डैम का मंजूरी दी गई। पर्यावरण मंत्रालय से बता दे कि एनओसी मांगी जा रही है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार की बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा।